नहीं तो एक साल की बात करें तो 64 GB में निकला था। कंडीशन आप इसकी चेक कर सकते हैं, ये आप देखिए इसकी कंडीशन, ओरिजिनल डिस्प्ले है, ठीक है, बिल्कुल ओके कंडीशन में, बिल्कुल साफ, ओके, बिल्कुल एकदम न्यू, एज न्यू है बिल्कुल, ठीक है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जैसे कि सर ने लिस्ट खोल रखी है यहाँ पे, ये देखिए ये आपके ये लिस्ट है, प्राइस ये प्राइस है, तो मैं प्राइस को थोड़ा हाइड करना चाहूँगा, तो ये लिस्ट देख लीजिए, ये मॉडल है, आईफोन 11 है, ये सारी चीज़ें, और आईफोन 11 के दो क्वान्टिटी का अवेलेबल है, और 12,812 रुपये सिर्फ। और इसमें सारे प्राइस देखना चाहते हो ना, तो उसके लिए वीडियो पूरी देखो, वीडियो के बीच में हम डालेंगे लिस्ट। दोस्तों आज आप देख रहे हो मेरे हाथ में आईफोन्स हैं, और इनकी प्राइस वैल्यू पता कितनी ज़्यादा कम होने वाली है। जैसे कि आपको बता दूं, आईफोन 10 मार्केट वैल्यू आपको मिलती है 25, 26, 27, 30 तक भी मिलती है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 11,000 का मिलने वाला, ऑल ओरिजिनल की बात कर रहा हूँ मैं, डेमो वगैरह इन चीज़ों की बात नहीं कर रहा। और एक और चीज़ बता दूँ, 70 यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 15,000 का मिलता है, 1+70 जो मार्केट में 24,000 का मिलता है। तो आज मैं आया हूँ JMP एंटरप्राइज पे, यहाँ पे B2B में सेल होते हैं, मतलब ऐसे बॉक्सेस आते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरीके से सारे बॉक्स होते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि मॉडल आपके खोले जाते हैं, जैसे कि आपने बोल दिया भैया मेरे को आईफोन एक्स का चाहिए, इस पर लिखा आईफोन एक्स, आपका 11,000 में हो गया। अब आपने खोला, अगर उसके अंदर आईफोन एक्स निकलता है तो वो बॉक्स आपका है। अब उसके अंदर आईफोन एक्स कौन सी कैटेगरी का क्या वेरियंट है उसका रेट ये नहीं बताते, ये सिर्फ आईफोन एक्स का रेट बताते। हाँ, अगर मिसमैच हो जाता बाई चांस, फॉर एग्जाम्पल आईफोन एक्स की जगह कुछ और निकल गया, तो बॉक्स इनका है। ये B2B में नहीं होता, लेकिन यहाँ पे होता है, तो इससे आपका बेनिफिट के चांसेस और ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो मैं आपको स्टॉक दिखा देता हूँ कितना ज़्यादा, इधर तो है ही है, आपको अंदर की तरफ भी दिखाता हूँ, ये देखो इधर भी स्टॉक पड़ा है, और अभी और स्टॉक आने वाला है, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। तो एक एक करके आपको हम कुछ थोड़े बहुत यहाँ पे आप देख सकते हो, हमने बॉक्सेस निकलवाए हैं, अभी हमने इसको खोला नहीं है, ये सर आए हैं परचेज करने, इन्होंने इतना माल यहाँ से परचेज किया है, तो देखते हैं इनके बॉक्स के अंदर क्या निकलता है और क्या क्या इन्होंने परचेज किया। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सर का स्वागत करते हैं। हेलो सर, कैसे हो? सर बढ़िया बिल्कुल। सर अपना नाम बता दीजिए। सर प्रदीप कुमार है मेरा नाम। तो सर ये कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझाइए हमारे व्यूवर्स को। सर ये अमेजोन पैक्सो है, पैकेट टू पैकेट में डील करते हैं हम, ओके, और ये हमारा अमेजोन से जो आता है ऐसे हमारे वेंडर इसको एज इट इज लेके जाते हैं, जैसे पैकेट के अंदर जो है वो उनका है, वो उनका है। हाँ, इसमें रेट बहुत चीप होते हैं, बहुत ज्यादा चीप होते हैं, बहुत ज्यादा चीप होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने 20 पैकेट भी लिए और उसमें से उसके 16 भी सही निकल गए, उसका 16 पीस 17 पीस सही निकल जाते हैं, 2-3 पीस में अगर माइनर प्रॉब्लम भी आती है तो वो कवर कर जाते हैं, क्योंकि हाँ क्योंकि फ्लिपकार्ट का रेट बहुत ज्यादा हाई होता है, और ये बहुत ज्यादा इसमें कैटेगरी ए से लेके कुछ भी निकल जाती है, मतलब आधे से भी कम प्राइस में आपको मिल रही है चीज। हाँ जी बिल्कुल। अगर एक्स की बात करें तो मिनिमम प्राइस अभी भी लेके चले तो 27,000 का मिलता है, बिल्कुल सेकंड हैंड, बिल्कुल यहाँ सिर्फ 11 का मिल रहा है, आधे से भी कम में। हाँ जी बिल्कुल। अभी कल ये एक्स खोला था हमने, आपको दिखा देते हैं, ये देखिए कल ये एक्स आया था, ये हमने खोला था, ये कितने GB में था? ये 64 GB है। 64 GB में निकला था। कंडीशन आप इसकी चेक कर सकते हैं, ये आप देखिए इसकी कंडीशन, ओरिजिनल डिस्प्ले है, ठीक है, बिल्कुल ओके कंडीशन में, बिल्कुल साफ, ओके, बिल्कुल एकदम न्यू, एज न्यू है बिल्कुल, ठीक है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जैसे कि सर ने लिस्ट खोल रखी है यहाँ पे, ये देखिए ये आपके ये लिस्ट है, प्राइस है, तो मैं प्राइस को थोड़ा हाइड करना चाहूँगा, तो ये लिस्ट देख लीजिए, ये मॉडल है, आईफोन 11 है, ये सारी चीज़ें, और आईफोन 11 के दो क्वान्टिटी का अवेलेबल है, और 12,812 रुपये सिर्फ। और इसमें सारे प्राइस देखना चाहते हो ना, तो उसके लिए वीडियो पूरी देखो, वीडियो के बीच में हम डालेंगे लिस्ट को, क्योंकि एंड्रॉइड में सब स्किप करके फोन करना शुरू कर देंगे। बिल्कुल, एंड्रॉइड में वेरिएंट नहीं पता चलता है, ओपन होने के बाद पता चलता है, पर आईफोन में वेरिएंट हम बता सकते हैं, बता सकते कि ये 64 GB है, 32 GB है, 128 GB है, जो भी आप वेरिएंट हमें पता चल जाता है, ठीक है। तो सर लोकेशन क्या है, अगर कोई आना चाहता है? लोकेशन बहुत सीधी है, आप बदरपुर मेट्रो स्टेशन पे उतर सकते हैं, वहां से सीधा टोल टैक्स जो बदरपुर बॉर्डर है, हरियाणा फरीदाबाद और दिल्ली का बॉर्डर है, बिल्कुल टोल टैक्स पे आके हमें कॉल कीजिए, 2 मिनट हमें लगेंगे आपको पिक करने में, 2 मिनट का रास्ता है, बिल्कुल 2 मिनट का रास्ता, ठीक है। और घर बैठे तो नहीं होगा? नहीं, आप अगर ऑर्डर देना चाहें, हम कोरियर सर्विस अवेलेबल है कहीं भी, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर इंडिया हमारा हर जगह जाता है, कोलकाता घर बैठे भी आप करवा सकते हो। हाँ जी, सर ने यहाँ पे कितने मॉडल परचेज करे अभी? मैंने देखा था कि सर बिलिंग करवाते, मैंने बोला खुलवाओ, इनके कुछ मॉडल खुल चुके हैं पहले, बाकी इनके अभी थोड़े बहुत और बचे हुए हैं, तो कुछ मैंने जानबूझ कर रुकवा लिया कि वीडियो में ही कवर कर लेंगे, पता भी नहीं, ये कुछ मॉडल इनके ये खुले हुए हैं, ये देखो ये फोन इनके निकल चुके हैं भाई, ठीक है। सर नोएडा में ऑफिस है इनका, अच्छा सर का नोएडा, हमारे रेगुलर हैं,
मुकेश जी इनका, हाँ मुकेश जी नाम है इनका, रेगुलर आपसे मान लेते हैं। हाँ जी रेगुलर। तो सर एक आधा मॉडल खोल के दिखा, बिल्कुल अभी खोल के दिखा देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल सर सबसे पहले ये कौन सा मॉडल है हमें ये बताइए। आजकल मॉडल का नाम लिखा नहीं आता, पर हम आपको अभी ट्रैकिंग से बता देते हैं। ये स्कैन होके स्कैन होकर पता चलता है। ये एक 6 Pro ही खोल के दिखा देता हूँ मैं आपको। 6 Pro है ये वाला। ठीक है सर, खोलने से पहले इसकी प्राइसिंग कितने में परचेज हुआ है? 6 Pro की प्राइसिंग तो सर इसका प्राइस बता रहे हैं, यहाँ पे आपके सामने फ़ोन भी खुल रहा है। ये सर देखो लिस्ट निकाल दी है सर ने, और इधर अपना फोन खुल रहा है। का प्राइस है 4528 4528 रुपये। ये देखिए ये 6 Pro निकला है आपके सामने, ये लो भाई 4528 रुपये में 6 Pro इनका हो गया, और 6 Pro ही निकला है और एकदम ओके कंडीशन में निकला है, साफ कंडीशन है, अभी आराम से बेच सकते हैं। सर कितने का बिक जाएगा अभी? 5000 के आसपास आराम से बिक जाएगा, आराम से बिक जाएगा, और वेरिएंट अच्छा निकला तो शायद और ज़्यादा निकल जाए। ये होलसेल के रेट बता रहे हो आप, तो ये देखो ये बेनिफिट यहाँ से आपको मिल जाते हैं। और जैसे कि मैंने अभी देखा था आईफोन 11 सिर्फ 12000 समथिंग का दे रहे हो, उसकी मार्केट वैल्यू तो अभी भी 35-36000 है, बहुत ज़्यादा है बस, पर वो लोग आधे से भी आधे में आ गया, इसलिए उसको लोग रिस्क ले लेते हैं उसको लगाने का, क्योंकि इसमें मिसमैच के चांसेस ज़्यादा होते हैं बड़े मॉडल में। पर जो लोग कहते हैं कि नहीं भाई हम रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, तो हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उनके लिए ऑर्डर लगाते हैं। पर सर वो क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो क्वांटिटी ज़्यादा होती तो कवर कर लेते हैं, इसी वजह से होलसेलर्स बड़े बड़े मॉडल में रिस्क ले लेते हैं। ठीक है अब नेक्स्ट कौन सा मॉडल? सैमसंग का M31। ये इस तरीके से खुलेगा, और एक प्लस पॉइंट जो मेरे को अच्छा लगा यहाँ पे कि अगर आपका मिसमैच निकलता वो आपका मॉडल वापस, जो भी मिसमैच निकलेगा वो हमारा। मैंने इससे पहले कोई एक वीडियो ऐसी ही देखी थी, लेकिन उसमें कहा था जो भी निकला आपका, नहीं नहीं इसमें जो भी मिसमैच निकलेगा वो हमारा होगा। अगर बाय द वे 1% चांस है कि अगर डेड भी निकल जाता है तो भी हमारा है। अरे वाह फिर तो इसमें कोई लॉस ही नहीं मेरे को तो। पर बड़े मॉडल में थोड़ा हम मना करते हैं, क्योंकि बड़े मॉडल में एक्चुअली ज़्यादा रिस्क होता है, छोटे मॉडल में हम अपने पास ले लेते हैं। लो जी ये M31 है, आप देखिए कंडीशन, M31 बोला, M31 निकला, और क्या लोगे इसकी प्राइसिंग के साथ? मजे की बात ऑन भी हो रहा है, ऑन भी हो रहा है, डेड नहीं है, डेड नहीं है। और जीवी वेरिएंट सर, जीवी वेरिएंट का कोई प्राइस वेरिएशन है? नहीं बॉक्स के अंदर कुछ भी निकल जाए, 256 निकल जाए कुछ भी निकल, वो उन्हीं का ही है। बहुत बढ़िया सर, ये सैमसंग M20 अभी तक हमने 2 पीस खोले और दोनों ही निकले, दोनों सही निकले। ये तीसरा पीस खुलने जा रहा है, ये देखिए इसमें बैटरी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, है लो M20 सैमसंग गैलेक्सी M20 ओके फोन निकला, 3 के 3 सही, 100% हो गया। क्या कह रहे हो सर, हमेशा मैं ही हूँ खुलवाने सही निकल रहे हैं। लो भाई 3 फोन ऐसी कंडीशन में निकल जाता है माल। और ये आपका आ गया सैमसंग M10s लो चौथा भी निकल गया, क्योंकि क्या होता है इसके अंदर कभी कभी डिस्प्ले क्रैक वगैरह ये चीजें भी ब्रोकन आ जाता है, बट वो ट्रांजिट में हो जाता है डैमेज, ज़्यादातर चांस ऐसे ही होते हैं, वरना आपको देखेगा अभी जितने हम मॉडल खोलेंगे इसमें डैमेज बहुत कम निकलते हैं, कोई पुराने ज़्यादा मॉडल होते हैं उसमें बात अलग है। सर इसमें तो लेमिनेट भी लगा हुआ है, ये देखो 4 के 4 मॉडल सही निकल गए अभी तक, वो भी सैमसंग के, खासकर सैमसंग का लेने में लोग ज़्यादा थोड़ा डरते भी हैं ना। ये आपका आ गया J2 खुलवा लेते हैं, 5 मॉडल खुलवा रहे हैं, सारे तो हम खुलवा के वीडियो दिखा नहीं पाएंगे, वीडियो लंबी होती जाएगी। हाँ जी बिल्कुल, बाकी एक आधे बड़े मॉडल भी हम खुलवा के ट्राई करेंगे अगर सर ने परचेज कर लेंगे तो। J2 भी निकल गया सर, J2 की वैल्यू क्या है? ये तो आई थिंक मेरे हिसाब से 1500-2000 के आसपास ही मिल रहा होगा। हाँ सर J2 की वैल्यू है अभी 2000 रुपये ना। लो मैंने बोला और वही हो गया, आराम से 4000 का बिकेगा। ये आपका M30 ठीक है, लो एक और निकल गया, बैटरी लो है शायद, इसकी बैटरी लो हो सकती है। ठीक है
और अब यहाँ पे पता क्या है कि पहले मॉडल लिखे रहते थे, ये स्कैन करके यहाँ पे मॉडल नंबर लिखे हैं इन्होंने कि इसके अंदर क्या है, उसके बाद पैकिंग खोली जा रही है। और अब सर कोई एक बड़ा मॉडल स्कैन करके निकालेंगे इन पैकेटों में से, जिससे पता लग जाए कि बड़े मॉडल में सही निकलता है। ये देखो फ़ोन ऑन है, चार्जिंग लगाते ही ऑन हो गया। ये हम खोलने जा रहे हैं नोट 9 प्रो मैक्स। नोट 9 प्रो मैक्स है ये? हाँ जी। जिसकी प्राइसिंग है सिर्फ मात्र 8,100 रुपये। आज ही आया ये, आज के स्टॉक में, आज के स्टॉक में आया ये। देख लीजिए कंडीशन। लो भाई नोट 9 प्रो मैक्स ब्रांड न्यू कंडीशन में 8,100 रुपये में मिल गया, और ऑन भी है। कंडीशन देखो भाई, 17,000-18,000 रुपये का नया फ़ोन आता है ये, और 8,000 कितने का बोले सर? 100 रुपये। 8,100 रुपये, 8,000 ही मान के चलो, मज़े आ गए। तो ये सर ने परचेज़ किया था, वैसे खोल के दिखा दिया हमने। नहीं ये परचेज किए, ये वाला परचेज किया, पर ये आज का स्टॉक है, ये इनका कल का स्टॉक बुक करा हुआ था, ये आज आया तो आज हमने आपको सिर्फ दिखा दिया खोल कर लाइव यहाँ पर, कि ऐसा स्टॉक भी निकल जाता है बिल्कुल न्यू, बिल्कुल न्यू, और वेरिएंट इसमें कुछ भी हो सकता है। लास्ट टाइम निकला था तो वो 128 GB का निकला था, ठीक है, शायद वो यहीं पड़ा हुआ, ये इनके वो यूज़ कर रहे हैं हमारे अकाउंटेंट साहब। ये देखो यही फ़ोन है, ये आईफोन। तो अब ये भी कोई यूज करेगा? हाँ ये भी अब सर बैठे हैं, ये छोड़ेंगे नहीं इसको, ये बोले कुछ तो बेनिफिट मिलना। ये iPhone 7 32 GB इसका वेरिएंट हमें बताया, इसलिए देख लो पूरा पैक है, कहीं पे कोई चीटिंग का मतलब नहीं है। ये टेप पे अगर लोगों की नजर जा रही हो तो बता दें, अब पॉली पैक को भी अमेजोन अब ऑडिट कर रहा है, इसलिए यहाँ से इन्होंने काट के ये PCtronic की टेप लगा देते हैं ये। अच्छा, ये टेलीट्रॉनिक्स की, ठीक है। और एक चीज और, आप अपनी आंखों के सामने खुलवा सकते हैं यहाँ के स्कैनर? हाँ हाँ, ये हम करते ही हैं ये, पहले हम खोल भी नहीं सकते ना इसे, हम पहले कोई अगर खोल देंगे तो कोई लेगा ही नहीं फिर, कि आपने इसमें चीटिंग कर दी या कुछ भी कर दी। ये iPhone 7 है 32 GB। कौन सा निकला सर? iPhone 7 ही निकला? मैं तो सोचा MI का फोन निकल गया कोई। नहीं नहीं लो भाई iPhone 7 32 GB। प्राइस क्या आपके पास? मात्र 8,200 रुपये। iPhone 7 32 GB 8,200 का मिल रहा है, और यहाँ पे भी आपको iPhone 7 ही निकला है, देख लो। वैसे ऐसा होता है कि 8 के 8 सही निकल गए? होने को तो, हमने 8 बॉक्स खोले, 8 के 8 सही निकल गए। होने को तो कई बार ऐसा भी होता है कि 20 फोन भी खोले किसी ने तो पूरे सही निकले, और कभी खराब भी निकल जाते हैं, ये नहीं कहेंगे हम खराब नहीं निकलते। ये कौन सा? लेकिन सर एक मेरे को ये चीज़ अच्छी लग रही है, कोई आपसे बिजनेस करना चाहते हैं, एक्चुअली उसका रिस्क फैक्टर है ना 1-2% ही है, क्योंकि आप मिसमैच वाले भी आप ले रहे हो, डैमेज वाले भी आप वापस ले रहे हो, तो फिर बचा क्या? डैमेज नहीं, ओनली मिसमैच और डेड मतलब वही, हाँ डेड कंडीशन और मिसमैच वो हमारा होगा। बाय द वे बस 1-2% इसलिए तो छोड़ा मैंने, डैमेज हो गया तो हाँ। वो तो डिलीवरी में लाते वक्त हो सकता है, ठीक है। ये कौन सा? iPhone 7 32 GB। कोई आपसे बिजनेस करना चाहता है तो सर कांटेक्ट कैसे करें? ये जो प्राइस है ये रिटेल की प्राइस है, जो हम आपको बता रहे हैं 8,200 रुपये। होलसेल की है? हाँ ये रिटेल की प्राइस है। अच्छा, होलसेल की प्राइस अलग होगी, जो बल्क में क्वालिटी भी लेना चाहेगा वो 1,000 और कम हो सकती है मे भी, है ना, मतलब 7,000 के आसपास आपको iPhone 7 मिल जाएगा यहाँ पे। ये भी आपका 32 GB iPhone 7। ये हमें चलाना नहीं आता ना, इसलिए मेरे को तो नहीं आता, सब चल रहा है भाई, देख लो कैमरा भी चल रहा है। थोड़ी बहुत शिकायत अगर कभी रहती भी है तो iCloud की रहती है, पर आजकल वो भी नहीं हो रही, क्योंकि थोड़ा सा अमेज़न थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गया अब, ठीक है इन मामलों में। तो ये iPhone 7 निकला है, ठीक है, बिल्कुल सही कंडीशन में। तो सर अब सारे सैंपल तो ऐसे खोल खोल के फिर आपके ही, वरना ऐसे तो बहुत सारा खुद ही खरीदने पड़ेंगे आपको, बिल्कुल ठीक है ना। iPhone 6 Plus 64 GB। कोई वन प्लस का नहीं पड़ा क्या? क्योंकि iPhone तो हमने खोल लिए, क्यों इसके लिए वन प्लस है? कोई वन प्लस है तो होगा शायद, वन प्लस का वहाँ देखो। हाँ iPhone तो काफ़ी खोल लिए हैं, कोई बात नहीं, 6 Plus भी खोल दो। खोल दो ये भी वन iPhone 6 Plus। तो भाई है तो iPhone ही अंदर, ये लो 6 Plus ही निकला, सही है भाई, किसी ने रिसेट करके भी नहीं भेजा है अब बिल्कुल ओके, उनकी फोटोज भी आ गई है, ये देखो मतलब ये कस्टमर यूज है। हाँ
नहीं तो अगर रिपेयर होके आता तो इसमें ये फोटो नहीं होती। इसका डाटा अवेलेबल होगा इसमें पूरा। फिर ये सर का ही चक्कू लग गया काटने में। मेरे चक्कू लग गया। हाँ, कितने का होगा? मात्र 5500 रुपये का सिर्फ। ये आ गया आपका वन प्लस सिक्स। ये वन प्लस सिक्स है तो सर एक बार ये पूरा रैपर दिखा दो घुमा के। ये ऑडिट भी नहीं हो रखा है। ठीक है, ये देखो पूरा सील बैग है और यहाँ पे बार स्कोर कैड सब कुछ लगा हुआ है। ठीक है, ये तो अपनी तरफ से नहीं लगा सकता कोई भी। आप खोल दो सर। वन प्लस सिक्स थोड़े हाई वेरिएंट में थोड़ा रिस्क ज़्यादा होता है, लेकिन ये सही निकल गया तो मज़े आ जाएंगे। और ये कितने जीबी निकलेगा? वन प्लस सिक्स ही निकला है। दिखाना सर, कंडीशन दिखा दे। जब तक ये बैटरी लो है और ये तो मानेगा नहीं बैटरी लो में। थोड़ी सी कंडीशन थोड़ी सी रफ है, लेकिन सर इसका प्राइस क्या होने वाला है? इसका प्राइस आपको बताएंगे सर। वन प्लस का प्राइस क्या रहता है? सिक्स का 11000। वन प्लस सिक्स 11000 में यहाँ से मिल जाएगा आपको। बाकी बैटरी इसकी लो है। वेरिएंट इसमें मोस्टली 6128 निकल जाता है, 6064 निकलता है, इससे कम तो ये आता ही नहीं है। तो सर अब चलते चलते अपनी लिस्ट पूरी दिखा देते हैं कि क्या प्राइस आता है आपके पास और कैसे खरीद सकते हैं। थोड़ा आइडिया तो दो, कॉलिंग वगैरह आपका। हम आपको डिटेल दे देंगे अपनी पूरी, अपने मोबाइल नंबर, पूरा एड्रेस, प्रॉपर एड्रेस। कोई भी किसी टाइम हमें फ़ोन कर सकता है, व्हाट्सअप कर सकता है। हम अपनी कंपनी का ईमेल एड्रेस भी दे देंगे। ऑफ हमारा वैसे तो संडे होता है, बट अगर कोई कहता है हम दूर से आ रहे हैं तो हम उसके लिए ऑफिस खोल देते हैं। उसमें कोई इशू नहीं है ऐसा बड़ा। हम कभी भी आ जाते हैं, पास में ही हमारा घर है तो हम आराम से आ जाते हैं। तो हम प्राइस लिस्ट यहाँ पे निकलवा रहे हैं सर से, तो हम आपको दिखाते हैं उसके बाद प्राइस लिस्ट जो आपने निकाल रखी थी। तो ये देखो भैया, प्राइस लिस्ट पे आते हैं। यहाँ देखो वन प्लस सिक्सटी 10944 का है, और वहीं पे सिक्स की बात करें तो 10567 का है। सर ने 11 बोला था, उसमें कम ही है बल्कि प्राइस, ये देख सकते हो। और आईफोन की बात करें तो ऊपर, वीवो की बात करो, देखो कितने कितने कम प्राइस में आपको मिल रहे हैं। और आईफोन तो यार चौंकाने वाले प्राइस होते हैं। उस प्राइस में तो डम्मी मिलते हैं जिसमें आप ओरिजिनल फ़ोन दे रहे हो। देखो आई एक्स की बात करें तो 1184, वहीं पे एक्स आर की बात करें तो 10263, और ऊपर जाते हैं बड़े मॉडल पर 6 प्लस जो अभी निकला था रिसेंटली, उसकी वैल्यू सिर्फ 5500 रुपये आपके पास है, उसमें 50 रुपये कम है। और आईफोन 11 की बात करें तो 12812। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपने देखा यहाँ पे हमने अभी 10 बॉक्स खुलवाए और 10 के 10 ओके कंडीशन में आपको फ़ोन निकले। तो ये तो एक चीज़ हो गई कि रिस्क फैक्टर इसमें थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ है, लेकिन आपको यहाँ पे रिस्क फैक्टर मैं कह रहा हूँ कि 98% ख़त्म कर दिया है। क्यों? एक तो सर लोगों को ये रहता था यार इसमें वो वाला फ़ोन, मान लो 11 के आपने प्राइस दे दिए, इसमें 11 की जगह 6 निकल गया, कुछ और मॉडल निकल गया, वो भी आपका है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, अगर मिसमैच निकलता है तो रिटर्न है, और डेड निकलता ऑन ही नहीं हो रहा तो भी रिटर्न है। अब बात आती है डैमेज की। यार बिजनेस कर रहे हो तो इतना तो रिस्क बनता ही है। अगर आपको 1/3 प्राइस में चीज़ मिल रही है तो आप एक ही फ़ोन से वो कवर करने वाले हो सारी चीज़ें, बाकी तो आपको बेनिफिट होने वाला है। तो यही चीज़ है, हमारी वीडियो आ चुकी है, जो पहले आएगा वो जुड़ जाएगा, बाद में फिर यही बोलने को मिलेगा स्टॉक नहीं है, बाद में बताते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय।